हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर से होंगे। स्वागत है आपका मेरे और आपके चैनल को अपने नाजरीन में। तो फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं किचन में बहुत ही छोटा छोटा आसान सी बन जाने वाला रेसिपी, और ये रेसिपी बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जिग जग रोल, जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक कप मैदा लिया है और आधा कप लिया है मैंने चावल का आटा, जिससे हमारे रोल बहुत ही टेस्टी बनने वाले। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर हम अपना डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हम ऐड करेंगे अभी आधा छोटे चम्मच नमक, थोड़ी सी अजवाइन, फ्रेश कसूरी मेथी। धीरे धीरे पानी डालते जाएंगे और डो तैयार करते जाएंगे। डो हमारा ना ही ज़्यादा सॉफ्ट हो ना ही ज़्यादा टाइट, डो हमारा बनकर तैयार है। इसको 15 से 15 मिनट तक रेस्ट के लिए रख देते हैं। अब इसकी हम जो स्टफिंग है वो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर लिए हमने 500 ग्राम उबले हुए आलू, इनको मैश कर लेना है अच्छे से। ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट एज पर टेस्ट, एक छोटा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा, थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमने जो अपना डो बनाया था उसकी हमें एक शीट तैयार कर लेनी है। शीट हमें स्क्वायर शेप पर तैयार कर लेनी है और शीट हमें बिल्कुल बराबर बराबर तैयार करनी है। शीट हमारी बनकर तैयार है और अब हम इसको स्टफिंग कर देते हैं। दूसरी शीट भी इसके ऊपर रख देते हैं तरीके से। कट कर लेना है। अभी हम सिंपल ही कट कर रहे हैं, बाद में इसको हम जिग-जैग शेप देंगे इस तरीके से। जिग-जैग शेप दे दिया है। इसी तरीके से हम अपने सारे रोल तैयार कर लेंगे, उसके बाद ही हम इनको फ्राइंग पैन ले जाएंगे। रोल हमारे सभी बनकर तैयार है। ऑयल हमारा ऑलरेडी हीट है। इसी तरीके से हम सारा ये अपने तेल में डाल देंगे और इनको हल्की आंच पर फ्राई कर लेंगे। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। रोल हमने जो करने हैं फ्राई वो हल्की आंच पर करने हैं, ताकि अंदर से कच्चे ना रह जाए और अच्छे तरीके से ये सिक जाए। अब हमें कोई निकाल लेना है, एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो रिमूव कर देना है। रोल हमारे बनकर तैयार है। सर्व करेंगे इनको खट्टी मीठी इमली की चटनी के साथ। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।